कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णुः एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह छह कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल दो एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में दो बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर शुद्ध एकादशी 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रहेगी। इस एकादशी व्रत का पारणा 11 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:38 से 8:38 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। एकादशी की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अर्पित करें और ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी व्रत में आपको कुछ पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। इंद्रा एकादशी यानी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें और इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके पश्चात घर की साफ सफाई करें। आप गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध कर सकते हैं। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर आसपास में कोई पवित्र नदी है तो आप आस्था की डुबकी नदी में लगा सकते हैं। इस समय आचमन कर व्रत का संकल्प धारण करें। अब पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को सर्वप्रथम जल का अर्घ दें। इसके पश्चात सुविधा अनुसार पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार कर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः उन्हें पूजा में पीले रंग का फल और फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ कर और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें और दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलहार करें। अगले दिन पूजा पाठ करने के पश्चात व्रत का पारणा करें। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।